नमस्कार जी एन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूँ सोनू कुमार पांडे। यहाँ पर रसोईया जो बहुत दिनों से धरना पर बैठे हैं रसोईया संघ, यहाँ पर इन लोगों का तबीयत हो चुका है अब ख़राब। कितना दिन तक ये लोग बैठेंगे भूखे प्यासे, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है। बहुत दिनों से ये लोग बैठे हैं, पेड़ भी गिर गया था कुछ दिन पहले, जो आंधी तूफान आया था कुछ दिन पहले पेड़ गिर गया था इन लोग पे। अब वहीं इन लोग के इलाज के लिए सदर अस्पताल के तरफ से कुछ डॉक्टर लोग आए हुए हैं, कुछ नर्स लोग आई हुई हैं, जहाँ पर इन लोग को दवा दिया जा रहा है। और दवा ये कि खांसी, किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को कुछ ऐसा होते रह रहा है। आखिर ये लोग कब तक यहाँ पर बैठेंगे, कब तक अपनी मांगों को सुनाएंगे? आइए जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं हो रही है, इतना दिनों से बैठे हैं क्या क्या समस्याएं हो रही है, इनसे जानेंगे और डॉक्टर से भी जानेंगे क्या क्या चीज़ का ये लोग दवा दे रहे हैं इन लोग को। है हेडेक का, फीवर का, गैस्ट्रिक का, बस इतने ही। हेडेक का समस्या आ रहा है, क्यों ये आता है समस्या हेडेक का? अब हाँ, हम लोग यहाँ ज़्यादा सोच रहा होगा। हम लोग सी एस ऑफिस की तरफ से आए हैं, सदर हॉस्पिटल से हम लोग आए हैं, उधर से डी एस आर तरफ से हम लोग को भेजा गया है। खांसी हो रहा है ना, पहले से ही हो रहा है, आज रात रुकेंगे नहीं, दवा नहीं लाए। हम लोग रसोईया हैं, वेतन बढ़ाने के लिए आए हैं, उतना ही जानेंगे, लेकिन हम लोग दवा लिए हैं। हाँ डॉक्टर आया तो हमको ठीक लगा, दवा वो लेके लिए पूछ रहा है, और यहाँ काफ़ी सरकार भी ध्यान दे रहा है, देख रेख कर रहे हैं, और यहाँ कितना बारिश भी हो रहा है होने से भी हम लोग यहीं पर है, और बुखार उखार आ रहा है तो दवा भी यहाँ पर मिल रहा है, सब सुविधा भी है, उससे आज कुछ नहीं कह पाएंगे। सर्दी क्या दिया है, खांसी क्या दिया है, और सरद के सब दिया है दवा, जो जी सर। आप लोग कोई लिए हैं दवा? सर्दी खांसी के लिए है। सर्दी खांसी का भी दवा लिए हैं? हाँ। क्या हो रहा था? खांसी और सर्दी हो रहा था। सबसे पहले बात तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये अच्छी बात है कि हम लोग को आज 35वां दिन धरना चल रहा है, लेकिन बीते 4 दिन से लोग लगातार सदर हॉस्पिटल से डॉक्टर लोग आ रहे हैं, नर्स लोग आ रहे हैं, दवा दारू पूछ रहे हैं कि कैसा सेहत है, क्या स्थिति है, डेली पूछ के जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन और सदर हॉस्पिटल का जो DSCS है वो ध्यान दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छा ये अच्छा, पेड़ भी गिर गया? हाँ पेड़ भी गिरा, हम लोग जख्मी हुए, 4 लोग हमारे लोग चोट हुए थे, अभी ठीक हो गई है। लेकिन ये सारे चीज़ों के बाद आपके माध्यम से कम से कम सरकार तक संज्ञान गया, वो संज्ञान लेने के बाद ट्रीटमेंट का कार्य शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये महिलाएं जो बैठी हुई है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये 66 रुपया में काम कर रही है, इसको ध्यान देना चाहिए, इनको न्यूनतम वेतन के साथ सरकार जोड़े जल्द से जल्द। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग सदर के तरफ से आए हुए हैं, और इनको हेडक, जो हेडक होता है, जो टेंशन होता है, ये सब समस्या इन लोग को आ रही है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, सब चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे बहुत दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं, इन पर पेड़ भी गिर गया था, जी हाँ इन पर पेड़ भी गिर गया था, जब आंधी तूफान आया था तो इन पर पेड़ भी गिर गया था। अब देखना यह होगा कि सरकार कब इनकी समस्याओं को सुनती है, कब इनकी समस्याओं का निदान करती है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें GN भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।